जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा जिले के गंभीरपुर गांव पहुंचे, जहां बीते दिनों चार बच्चों की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई थी। सभी मृतकों के पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना दी और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण इन बच्चों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। जो पानी के अभाव से नहीं पता चल रहा, तो कम से कम वहाँ पे साइन बोर्ड्स तो लगने चाहिए इस बात की जानकारी। ये तो मासूम बच्चे थे, कल को कोई बड़ा भी जाएगा उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1.5 फीट पानी है कि यहाँ पे 10 फीट पानी है। जिस तरीके से JCB से खुदाई कर वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा आपने कर रखा है और उसमें पानी होने की वजह से बच्चों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि पानी है, और ये पूरी तरीके से इसको तो हत्या की श्रेणी में लाया जाना चाहिए भाई। ये कोई साधारण बच्चों की हुई मौत नहीं है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है सर। खेलते कूदते बच्चों के खेलने कूदने की वजह से हुई ये मौत नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई हत्याएं हैं और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप में इस बात की मांग करूंगा।